अगर मैं अपने हाथों को इतना स्ट्रेच करूं और इसमें कुछ इंचेस ऐड कर दूं, तो बिलीव मी इतने लेंथ की एक गाड़ी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और उस गाड़ी का नाम है MG की कॉमेट। टाटा नैनो से भी छोटी इसकी लेंथ है, यानी सब 3 मीटर की कार। और देखिए मेरे को 230 किलोमीटर की रेंज ये देती है सिंगल चार्ज में। और मैं अब आपको इसको दिखाता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर। टीवी द नो नॉनसेंस कार, मीट द स्मार्ट टीवी। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्मार्ट इलेक्ट्रिक 230 किलोमीटर ऑन सिंगल चार्ज, 17.3 kWh प्रिस्मैटिक सेल बैटरी, स्मार्ट डिजाइन, रोटेटरी डायल, स्मार्ट टेक की। और सामने आपको मिल जाता है स्मार्ट टेक, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, आई स्मार्ट विद 55 कनेक्टेड कार फीचर, फ्लोटिंग ट्विन डिस्प्ले। फ्रंट से देखने में गाड़ी बहुत ही स्टाइलिश लगती है और ये इसका फ्रंट लुक है। सेंटर में आपको मिलती है कनेक्टेड LED DRL डे टाइम रनिंग लैंप जो कि आपकी जाती है साइड में, यहाँ तक ये प्रैक्टिकली फंक्शनल है। उसके बाद ये क्रोम की स्ट्रिप जाती है ORVM तक। और अगर आप सेंटर में देखेंगे MG का लोगो है और इस MG के लोगो के पीछे भी एक छोटा सा सरप्राइज है, वो सरप्राइज है चार्जिंग का सॉकेट। तो यहाँ पे मिल जाता है आपको चार्जिंग का सॉकेट। अनफॉर्चुनेटली फास्ट चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट है ये। तो करीबन 6 से 7 घंटे आपको चार्जिंग में लग जाते हैं। सेंटर में आपको मिल जाते हैं 2-स्टेप हेडलैम्प्स, जो कि ऊपर का जो इसका पोर्शन है दैट इज अ प्रोजेक्टर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और नीचे वाला आपको मिल जाता है नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प। और नीचे आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर, LED इंडिकेटर्स हैं। और आपको मिल जाती है बड़ी सी AC की वेंटिलेशन ग्रिल। और आइए दिखाता हूँ अब इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग की, देखने में बिल्कुल ये iPod या फिर ईयरपॉड की तरह लगती है। और इसके अंदर मिल जाते हैं आपको मैंडेटरी कुछ अमेजिंग कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक की और बूट ओपनिंग की। अब इस की से मैं इस गाड़ी को ओपन नहीं करूँगा, जैसे ही मैं इस गाड़ी के पास जाऊँगा ये गाड़ी अपना आप अनलॉक हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब इसके अंदर क्या अमेजिंग फीचर्स हैं। और ध्यान से देखिए इसके एंट्री का पॉइंट, सच ए बिग एंट्री पॉइंट इसके दरवाजे का। एंड लुक एट द हाउ बिग दिस डोर इज। गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको मिलता है एक बहुत ही रिच लुक। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके डैशबोर्ड में क्या क्या है। वेरी इंटरेस्टिंगली गाड़ी के अंदर आपको कोई भी स्टार्ट एंड स्विच ऑफ का स्विच नहीं मिलता है, जस्ट आपको गाड़ी में बैठना है विद दिस पैसिव की। और ये चाबी आपकी जेब में है, ब्रेक को प्रेस कीजिए गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करने का या ऑन या ऑफ करने का कोई भी स्विच नहीं है, सिर्फ आपको ब्रेक को प्रेस करना है लॉन्ग प्रेस और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कार इज़ रेडी टू ड्राइव। सबसे पहले जो आपको हाईलाइट इस गाड़ी की नज़र आती है, बहुत ही आई कैचिंग पॉइंट है, वो है मोर देन 20 इंचेस की ये लार्ज स्क्रीन, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में मिलती है। और अगर हम देखें इसके स्टेयरिंग को, स्टेयरिंग पे अगेन वही iPod के कंट्रोल वाले सारे वॉल्यूम मैंडेटरी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मैंडेटरी मोड के कंट्रोल्स हैं, यानी आपका ट्रैक चेंज कर सकते हैं, ये वॉइस कमांड का कंट्रोल है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली देर इज़ नो सेंटर कंसोल, सेंटर कंसोल बस यहीं तक लिमिटेड है, जिससे कि ये गाड़ी बहुत लार्ज स्पेस देती है। बिकॉज इस सेंटर कंसोल का कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो गियर लीवर, जस्ट ओनली दिस स्मॉल रोटेटिंग नॉब विच गिव्स यू ऑल द कंट्रोल्स इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, रिवर्स, न्यूट्रल, चार्जिंग। सारे मोड्स आपके इसके डायल टाइप नॉब के अंदर आ जाते हैं। और सेंटर में आपको मिल जाते हैं इसके पावर विंडो के स्विच। डैशबोर्ड का लुक बहुत ही खूबसूरत है, ड्यूल टोन इंटीरियर में आपको डैशबोर्ड का लुक मिल जाता है। सो इन्फोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको मिल जाते हैं AC के वेंट्स और AC के सारे कंट्रोल। ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलता है क्योंकि स्पेस कम है, और स्पेस को ज़्यादा दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक स्मॉल सा स्पेस मिलता है टू कीप अ स्मॉल एसेसरीज। डैशबोर्ड के नीचे मिल जाते हैं आपको 2 लगेज हुक 5 kg की कैपेसिटी के ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 USB पोर्ट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको 2 इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाते हैं। ये मिल जाता है आपको इमरजेंसी इग्निशन ऑफ का स्विच, और ये आपको मिल जाता है हुड ओपन का स्विच। सो अभी देख लेते हैं इसके हुड के अंदर क्या है। एंड सच ए स्मॉलेस्ट हुड, देखने में आपको ये बिल्कुल एक टॉय कार लगती है, और सच ए स्मॉलेस्ट हुड। हुड के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है बस। एंड लुक एट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट हुड ओपनिंग, जो हुड ओपनिंग का फ्लैप है इट इज़ ऑफ दिस मच साइज। तो आइए चलते हैं अब इसकी थर्ड रो को देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्यूरियस पार्ट है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसकी थर्ड रो में कितना स्पेस है। स्मार्ट एंट्री से मैं गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ। सो वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस रियर सीट
यू कैन सी वेरी कंफर्टेबल रियर सीट, और ये इसके मिड में ये आपको जो स्पेस मिल रहा है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सफिशिएंट स्पेस। गाड़ी के बीच में जो आपको स्पेस मिलता है लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है एंड वन ऑफ द एडिक्वेट स्पेस यू गेट इट। सेकेंड रो में जाने का जो इसका एंट्री का जो तरीका है वो सिंपल है, इसी लीवर से आपको इसको फोल्ड करना है, आगे इसको ड्रैग करना है। ये इसकी सेकेंड रो है एंड बिलीव मी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे कि एसयूवी और एमयूवी है उसकी थर्ड रो से ज़्यादा कंफर्टेबल ये सीट है। अगर आप देखेंगे बेसिक सीट है, मैं एक एवरेज हाइट का आदमी हूँ बट मेरे लिए बहुत ही कम्फर्टेबल है। गाड़ी के अगर रियर सीट में फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको मिलती है रेक्टेंगुलर टाइप ये फिक्स टाइप विंडो जो आपको एक बहुत ही स्पेशियस आपको गाड़ी के इंटीरियर का लुक देती है, और ऊपर मिल जाते हैं आपको ग्रैब हैंडल, पीछे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं बट सीधा लेग स्पेस। तो चार लोग 5 से 6 घंटे की जर्नी में आराम से कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। दोनों तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं एंड रेक्टेंगुलर फिक्स टाइप यो दिस विंडो। और बात कर लेते हैं गाड़ी के रियर व्यू की, और अगर एमजी की कार हो और ये बैजिंग आपको देखने को ना मिले यानी इंटरनेट इनसाइड, सेंटर में मिल जाती है एमजी का लोगो, कॉमेट का लोगो एंड ट्विन स्टेप एलईडी टेल लैंप्स विद रियर फॉग लैंप आल्सो। तो आइए देख लेते हैं अब इसके बूट में क्या है। की ऑपरेटेड बूट ओपनिंग है, इसको सिंपली मैं प्रेस करूंगा और बूट ओपन हो जाएगा। और बात करूं अगर मैं इसके बूट की, बूट में बहुत ही लिमिटेड स्पेस मिल जाता है जब अगर ये रियर सीट टोटल ओपनेबल होती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप एक लैपटॉप का बैग रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 मैंडेटरी एसेसरीज मिल जाती हैं, ये मिल जाता है आपको एयर फिलिंग पंप, और यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग का पूरी केबल और चार्जर। बट अगर आप इस सीट को फोल्ड कर देते हैं देन यू गेट अ वेरी लार्ज बूट स्पेस इन दिस।